अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आइए, आप खुश हैं, ठीक हैं और मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी हमने बनाना होता है, लंच भी हमने बनाना होता है और डिनर भी हमने बनाना होता है, और घर के पूरे काम भी हमने करने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाना है आज, वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने चिकन देखा है कि चिकन मैंने रात को ही मैरिनेट करके उसको फ्रीज़र में रख दिया था, और उसको मैंने किन चीज़ों के साथ मैरिनेट किया है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने हाफ प्याली योगर्ट ली थी और इसमें एक लेमन जूस जो है वो उसके अंदर उसका जूस ऐड किया था मैंने, और जो है वो चरखे वाला शान का जो मसाला होता है, चिकन टिक्का मसाला नहीं, मतलब जो दूसरा होता है चरखे का जो मसाला होता है शान का, आप सबको पता होगा, तो वो मैंने मसाला इसके अंदर जो है ना वो 3 टेबल स्पून ऐड किया था, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये बस इसी तरह से मैंने इसकी मैरिनेशन की है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने सारा मैरिनेट करके और इसको जो है वो फ्रीज़ कर लिया था। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने अगर कहीं जाना है और क्विक में कुछ भी जल्दी जल्दी से बनाना है, तो ये जो है ना इस तरह से आप चिकन मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दिया करें, तो नेक्स्ट डे पे आपका इजी, आपको कुछ भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ आपको जो है ना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इसको देगची में डाला और इसको जो है वो हल्की आंच पे छोड़ देंगे। मैंने अभी इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं इसका कवर उठा रही हूँ। आप देखें कि चिकन ने अपना पानी छोड़ा है बहुत ज़्यादा, और इसी में ही चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि मैं चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, लेकिन तो वो खुद ब खुद देखें वो अलग हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको 15 मिनट में और इसको अभी ढक के रखूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया था इसकी मैरिनेशन में, वो मैं भूल गई थी आपको बताना, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इसकी मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो सबसे पहले मैं ऑयल जो है वो डालना इसमें भूल गई थी, तो आपने ऑयल भी इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करना है। वो आप मैरिनेशन जब कर रहे हैं चिकन की उस टाइम भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी, तो इस वजह से मैं अभी जो है ना थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के इसको रख दूँगी। और मैरिनेशन के लिए मैंने हाफ़ प्याली योगर्ट ली थी और एक लेमन लिया था, और चिकन टिक्का मसाला ले लें या कोई भी मसाला ले लें, अपने मसाले डाल लें इसके अंदर, आपकी मर्ज़ी है। और थोड़ा सा पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया था टेस्ट के हिसाब से। बस ये सारी चीज़ें घर की चीज़ें हैं, और चाहें तो हरी मिर्चें जो हैं वो भी पीस के ऐड कर सकते हैं, उससे भी उसका फ़्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से बस सिंपल सा हम इसको मैरिनेट करके और फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे जी बातों बातों में 15 मिनट्स हो गए थे, तो 15 मिनट्स के बाद मैं दोबारा आई हूँ, तो देखें तो थोड़ा सा सिर्फ इसमें पानी रहता है, तो थोड़ी देर के लिए मैं और इसको ढक के रख दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना ये बात भूल गई हूँ कि अभी जो है ना मैं जल्दी जल्दी ये खाना क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो आज आना है मारोश और आयज़ा की ईयर पेरसिंग के लिए, तो उनके जी मैंने कान जो है वो सिलवाने हैं आज, तो इस वजह से मैंने पार्लर पे जाना है उनको लेके। तो जैसे ही मारोश आयज़ा के पापा उनको अभी लेके आएंगे तो हम जाएँगे सीधा पार्लर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने यहाँ जो है वो गाउन निकाल के रख लिया, साथ में स्ट्रॉलर निकाल के रखा है, और सुकैना की जो है वो ड्रेस निकाल ली है मैंने कि सुकैना को ये ड्रेस पहना दूँ। तो ये बस मैं सिंपल सा ऊपर से बस गाउन ही पहन लूँगी, तो ये सुकैना के कपड़े हैं। और अपना जो है मैंने बैग भी निकाल के रख दिया है सामने, ये बैग पड़ा हुआ है मेरा। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले जो है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनको भूख भी लग रही होती है, और फिर सारा कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है वो टाइम से पहले मैंने जो है ना सारी चीज़ें मैंने कहा अरेंज कर लूँ, और इस वजह से जल्दी जल्दी से मैंने ये बना लिया। और रोटियाँ जो हैं वो नान हम बाहर से ले लेंगे। और देखें यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में आई थी, तो हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल डन हो चुका है। चिकन ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाता है, आप इसको जैसे भी आप मुँह में डालेंगे ना इस चिकन को, ये बिल्कुल ही जो है ना स्मूथ सी इसका टेस्ट होता है, और बिल्कुल ही सॉफ्ट सा ये चिकन होता है। मेरे बच्चों को तो बड़ा ही पसंद आता है, तो रोटी के साथ खा लेते हैं या ऐसे खाली खा लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम होने वाला था, तो मैं सुकैना को मैंने उसकी ड्रेस चेंज करवा ली है, यहाँ पे शूज़ लेके आ गए कि मामा मुझे आप शूज़ पहना दें। और यहाँ पे मैं सुकैना के मैंने कहा चले यहाँ मैं आपके बाल बना लेती हूँ, लेकिन सुकैना जो है ना बाल नहीं बनवाती, वो कहती है कि नहीं मेरे ओपन रहे हेयर्स। और लेकिन मैं कहती हूँ चलें थोड़ी सी आजकल गर्मी है तो पोनी बना लो, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसने ये पोनी उतार ही दी थी। तो यहाँ पर सुकैना के बस मैं बाल बना रही हूँ, और मारो शायजा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि
मारोश जो है मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मम्मा मैंने जो है वो अपने कान सिलवाने हैं, और मैंने कहा था चलें ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो मौसम भी थोड़ा सा सही है, पहले थोड़ी सी गर्मियाँ थी तो इस वजह से आयजा जो है वो थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन मारोश को बड़ा शौक था, वो उसको बार बार जो है वो बता रही थी कि कुछ नहीं होता, डर नहीं लगता ये वो तो वो जो है ना आयजा थोड़ा सा डर रही है, लेकिन जो है ना मारोश बड़ा हैप्पी है। तो चलते हैं देखेंगे चल के मतलब कि क्या होता है, कैसे जो है ना इनकी ईयर पैरेसिंग होती है और मतलब बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के आने का टाइम हो गया था बस, तो सो कहना हो मैं जो है वो तैयार हो गए हैं, तो साथ में ये मैंने जो है वो गाउन वेयर किया है, साथ में इसके मैंने ये थोड़े से मैच हो रहे थे इसके साथ ये ग्लासेस, तो ये मैंने ग्लासेस वेयर कर लिए हैं, तो ओवरऑल ये पूरा मेरा लुक है सो कहना को आपने देखा। तो बच्चे जैसे ही आएंगे तो मेरे ख्याल से वो अल्ताफ ने कहा था कि बस हम लोग पहले पार्लर पर चलेंगे और बाद में आके जो है फिर वो हम लंच करेंगे। और यहाँ पे मुझे याद आ गया था कि मैं जो कीज़ है वो अपनी उठा लेती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे साथ अभी ऐसा हुआ था कि हम लोग बाहर गए थे और मतलब डिनर था हमारा बाहर, हमारे फैमिली फ्रेंड्स उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया था, तो हम लोग गए थे तो मैंने डोर ऐसे ही क्लोज़ कर लिया था और जो कीज़ थी वो घर के अंदर ही रह गई थी, और ये तो अच्छा था कि अल्ताफ के ऑफिस में एक कीज़ जो है वो वहाँ पर पड़ी होती हैं, तो फिर हम दोबारा वो वहाँ गए और वहाँ से वो कीज़ लेके आए, तो इस वजह से अब मैं बिल्कुल याद से सबसे पहले मैं कीज़ उठाती हूँ कि मैं कीज़ उठा के अपने बैग में डाल लूँ। तो यहाँ पे बस मारो शायजा भी आ गई हैं और बस हम लोग जा रहे हैं, बस बाहर से ही मैंने उनको पिक कर लिया था और हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में जो है वो सारा व्यू जो भी है बीच में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बच्चे यहाँ पे बड़ा एक्साइटेड हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। हाथ तो नहीं है इधर? अच्छा One, two, three.
और जी आप सब लोगों ने जैसे कि देखा कि मारवा शारज़ा की ईयर पैरिसिंग जो है वो हो गई और माशाल्लाह से दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और दोनों के जो ईयर्स हैं मैंने देखा उनको बड़ा ही कुछ भी फील नहीं हुआ। और जो अंटी थी और जो पॉलर का नाम था वो मैं आपको बता देती हूँ, सोस पॉलर का नाम है। और जो अंटी थी जिन्होंने इनके कान सुने उन वो भी बहुत ही अच्छी थी, सब फ्रेंडली थे। उन्होंने मारवा शारज़ा को ये गिफ्ट मेकअप में दिया है, ये इनको मिले हैं गिफ्ट्स जो कि घर जा कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं बस एक थी, इनको गिफ्ट्स मिले हैं ये। मम्मा ने ले मुझसे मुझसे हाँ, मेकअप है मेकअप है। अच्छा अच्छा जब मैं फोन पे बात कर रही थी उस टाइम बोला उसने रोटी खाओगे? और जी अब बस हम पहुंचने वाले हैं घर। ये है जी हमारा गार्डन सिटी, यहाँ पे हम लोग रहते हैं और सामने जो आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं इन फ्लैट्स में रहते हैं हम। यहाँ पे ये सारे फ्लैट्स हैं और ये है जी गार्डन सिटी, इधर हम रहते हैं। और साथ में जो है वो रोटियाँ ले ली हैं मैंने, तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं। अभी हम घर जाएँगे, लंच करेंगे और लंच के बाद फिर मैं जो है वो इनको जो गिफ्ट्स मिले हैं जो सारा इनका मेकअप है वो ओपन करेंगे हम और फिर वो साथ में देखेंगे। तो ये साथ में ये स्कूल है जो आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सामने हमारी बिल्डिंग है, इसके साथ ही जो है ना ये स्कूल है। चलो आज उसको कहना जल्दी भागो। मैंने दिखाओ कौन सा मेकअप मिला है आपको शॉप पर। मैं चलो फिर ऊपर मैं ओपन करती हूँ, ठीक है ओपन करो। कितना है और अब आ जाते हैं हम इनके गिफ्ट्स की तरफ। तो ये एक बैग जो है वो मारवाश को मिला है और एक बैग आयज़ा को मिला है और ओपन करते हैं देखते हैं कि मारवाश का ये मुझे पता नहीं अब उन दोनों को कौन कौन सा बैग मिला था। तो सबसे पहले मैंने एक बैग ओपन कर लिया है, तो ये जोको ब्रांड का मेकअप है और जोको ब्रांड भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो ये मैंने आपको दिखाया तो लिप लाइनर है, ये लाइट जो है वो नहीं वो वाला जो था डार्क कलर का था, और ये आई लाइनर है, मतलब आगे से इसके पेंसिल है और पीछे से इसके ब्रश भी था, वो मैं फिर आपको बाद में ओपन करके दिखाती हूँ। और ये आई शेड है, मतलब डार्क कलर की है, जैसे कि हमने स्मोकी आईज़ वगैरह बनानी है तो उसके लिए ये शेड बिल्कुल जो है ना वो अच्छा रहेगा। और आयज़ा पहले से ही मुझे कह रही थी कि मम्मा ये मेकअप आपने यूज़ नहीं करना, ये मेकअप सिर्फ जस्ट हमारा ही है। और साथ में जी ये ब्लशर है, लाइट पिंक कलर है, ये दो ब्लशर हैं इसमें, ये एक लाइट पिंक कलर की है और दूसरी शायद ऑरेंज कलर में। और ये जी जोको की लिपस्टिक है और ये ऑरेंज कलर है, इसको ओपन करके देखते हैं और वाओ ये बड़ा ही मज़ेदार सा कलर है ऑरेंज कलर, तो ये कलर बहुत ही प्यारा है, तो ये मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्लॉसी सा है, मतलब फिर मैंने इसको ट्राई किया था तो जैसे आपके जो लिप्स हैं वो बड़े ग्लॉसी रहेंगे इसके साथ। तो लिपस्टिक है ये और आगे चलते हैं कि बैग के अंदर से और क्या निकलता है। और ये जी है ब्लश, ये लाइट पिंक कलर है, मतलब पीच कलर कह लें, एक पिंक कलर था तो ये पीच कलर है और दूसरा वाला फिर पिंक कलर का होगा।
तो ये एक शॉपर डन हो गई है और शायद इन्होंने गाड़ी में मेकअप मिक्स भी कर लिया और ये मुझे पता नहीं है। तो ये वाला जो है ब्लशर ये ऑरेंज कलर का था और ये वाली जो ब्लश है ये लाइट ब्राउन सी लग रही है मुझे, तो जब अप्लाई करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि इसका कलर जो है वो कौन सा आ रहा है। और साथ में हैं जी ये लिप लाइनर, तो ये बड़े ही प्यारे कलर्स हैं, लाइट पिंक है, लाइट बार्बी कलर है, एक लाइट पीच कलर है, तो ये सारे जो हैं वो लिप लाइनर्स हैं और बिल्कुल सील हुई हुई हैं। तो ये वाला मैं बता रही थी आपको कि ये जो है वो आईलाइनर है, पीछे इसके ब्रश है, जैसे कि इसको ब्लेंड करने के लिए हमने लाइन खींची और इसको स्मोकी आइज बनाने के लिए, तो इसको ब्लेंड करने के लिए पीछे इसके ये ब्रश भी था। तो ये आईलाइनर हो गया हमारा, इससे हमारे स्मोकी आइज़ बड़ी प्यारी बन सकती हैं। और ये था जी आज का मेरा व्लॉग और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।